बिहार के मोतिहारी में शुरू हुआ रोजगार मेला जिलाधिकारी कपिल अशोक ने किया उद्घाटन। नीतीश सरकार की पहल पर नौजवानों का उद्घोष, बिहार ने ठाना है यहीं पर कमाना है। जॉब फेयर के जरिए दिल्ली मुंबई से लौटे प्रवासियों को प्रदेश में ही मिल सकती है नौकरी। लॉकडाउन से तंग पूर्वी चंपारण के प्राइवेट स्कूल संचालकों का सांकेतिक धरना प्रदर्शन, थाली पीट कर सरकार को जगाने की कोशिश, 4 महीने की बंदी से बिगड़े हालात में खुद के लिए वित्तीय सहायता देने की मांग, बोले स्कूल खोलने दो हमें भी जिंदा रहने दो। बिहार में संपूर्ण शराबबंदी के बीच पकड़ी गई 873 लीटर विदेशी शराब दूध पाउडर से लदे ट्रक में छुपाकर की जा रही थी 97 कार्टून की तस्करी, विनोदपुर में डिलीवरी से पहले सिंघौल पुलिस ने पकड़ा 3 आरोपी गिरफ्तार। मोतिहारी के जिलाधिकारी ने अरेराज प्रखंड के रड़िया ग्राम पंचायत का किया दौरा, 113 लाभार्थियों को बांटा राशन कार्ड। डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने ग्राम पंचायत क्षेत्र में चल रहे पर्यावरण संरक्षण अभियान में लिया हिस्सा, लगाए पेड़। एडीएम शशि शेखर ने भी अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर रेवेन्यू अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, राजस्व वसूली, अभियान बसेरा जैसी सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन पर उठाया सवाल, खामियों को तत्काल सुधारने का दिया निर्देश। बेगूसराय में एसपी कार्यालय पहुंचा कोविड संक्रमण, डीएसपी के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद एसपी कार्यालय 3 दिनों के लिए बंद, सामान्य कामकाज भी हुए ठप, कोरोना जांच के लिए अस्पताल भेजे गए अधिकारियों के सैंपल। बेगूसराय के बखरी क्षेत्र में कोरोना से बचाने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की सराहनीय पहल, बकरी बाजार में नागरिकों और वाहन चालकों को बांटे मुफ्त मास्क, अनुमंडल अधिकारी अनिल कुमार ने दी कोरोना से बचाव के लिए नागरिकों को जानकारी। मोतिहारी में एक कुएं के लापता होने की दर्ज हुई शिकायत, नवयुवक सेना के पदाधिकारी अनिकेत रंजन ने बीडीओ को दिया निवेदन, कुआं खोज कर लाओ वरना करेंगे आंदोलन, वाटर टावर बनाने पर बवाल। बिहार में हाथों में हथकड़ी पहनकर प्राइवेट स्कूलों के शिक्षकों और कर्मचारियों का अनूठा आंदोलन, लॉकडाउन में स्कूलों को बंद रखने और रोजी रोटी छीनने पर विरोध प्रदर्शन, सीएम नीतीश से मांग हमें भी जीने दो सरकार। गलवान घाटी में चीन और भारत के बीच तनातनी पर भड़के बिहार के विश्व हिंदू परिषद कार्यकर्ता, महामंत्री मिलिंद परांडे ने चीनी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ राहुल गांधी को दी नसीहत, दुश्मन देश का हौसला न बढ़ाए कांग्रेसी। लेटेस्ट अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें।